सो व्हाट्सअप गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपका भाई एक बात बोलना चाहते, जैसा आप लोग थंबनेल में दिखाए ना सेम फोटो एडिट करके नहीं दिखाए तो आप लोग क्या करना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत ही आप लोग को चले जाना है। यकीन नहीं होता तो आप लोग एंड तक गाइस वीडियो देख के देखो, आप लोग वीडियो जैसा आप लोग थंबनेल में दिखाए सेम फोटो एडिट करके नहीं दिखाए तो आप लोग क्या करना, तुरंत ही चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, और सेम फोटो एडिट करके दिखाए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 110% गारंटी के साथ बोला है और सारा कुछ आप लोग रियल ट्रिक ताकि आप लोग बस क्या करना, चैनल पे ना तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड तक गाइस वीडियो वॉच करें तभी आप लोग सारा कुछ आप लोग सीख पाएंगे। एकदम रियल सीवी फोटो एडिटिंग बैकग्राउंड और कुछ नहीं चेंज करेंगे, सेम ऐसा ही फोटो आप लोग को एडिट करके दिखाएंगे। देख सो हमारा ओरिजिनल फोटो कितना गंदा सा दिख रहा है, इसी बैकग्राउंड को हम एडिट करने के लिए सिखाएंगे। बस आप लोग एंड तक गाइस बस वीडियो में बनेंगे, कसम से सारा कुछ आप लोग को रियल ट्रिक आप लोग बताएंगे सेम ऐसा ही फोटो एडिट करके। बस आप लोग एंड तक गाइस बस वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया और साथ ही साथ में आप लोग को बेल आइकन बटन भी आप लोग प्रेस कर देना, 110% गारंटी के साथ आपका भाई बोला सेम फोटो एडिट करके नहीं दिखाया ना भाई, कसम से आपका भाई सारा कुछ रियल ट्रिक बताएगा। बस आप लोग को रिक्वेस्ट एंड तक गाइस बस वीडियो में बने गया, अपने भाई के ऊपर एक बार भरोसा करके पूरा वीडियो वॉच कर लेते, 100% आपका भाई बोला है गारंटी, 200% बोला सेम फोटो एडिट करके नहीं दिखाया, तुरंत ही आप लोग चैनल पर नए और पुराने जो यूजर हो तो आप लोग क्या करना भाई, लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करके तुरंत ही आप लोग चले जाना है। सबसे पहले अपना ओरिजिनल फोटो को लेना है, अपना ओरिजिनल फोटो को लेने बाद आप लोग क्या करना, अपना फोटो को लाइटरूम एम में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। लाइटरूम एम में गाइस शेयर करना, कुछ ऊपर की साइड में ऐसा नोटिफिकेशन खुलेगा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोग वीडियो देखेंगे तभी आप लोग समझ में आएगा। आप लोग क्या करना, सबसे एक एक स्टेप आप लोग को मार के आप लोग को समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करना, 3 डॉट पर आप लोग को टाइप करके तो कॉपी सेटिंग लिखा है तो आप लोग क्या करना, कॉपी सेटिंग करके रख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको डन कर लेंगे। डन करके गाइस आप लोग क्या करना, बैक आ जाना। बैक आने बाद गाइस अपना ओरिजिनल फोटो को लेना। ओरिजिनल फोटो गाइस लेने बाद सबसे पहले आप लोग क्या करना, 3 डॉट पर आप लोग को टाइप करके इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। कॉपी पेस्ट गाइस करने बाद एक ही क्लिक में हमारा फोटो का रौनक ही देख सकते हैं, और जादू कितना खतरनाक तरीके से चलाए हैं, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं आप लोग, एक ही क्लिक में कितना अच्छे तरीके से हमारा फोटो एडिट होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेव वाला आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो क्या करना, सबसे पहले आप लोग को सेव कर लेना। इधर देखिए आप लोग को सेव वाला आइकन दिख रहा है, आप लोग इस पे अपना फोटो को सेव कर लेना है। अपना फोटो गाइस सेव करेंगे, कुछ आप लोग का भी फोन ऐसा करके लोडिंग ले सकता है, जैसे हमारा फोन लोडिंग ले रहा है थोड़ा सा तो हमारा प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हो। तो आप लोग क्या करना भाई, पूरा एंड तक गाइस एक बार नहीं तो 2 बार आप लोग वीडियो देखिए कि गाइस आप लोग सभी लोग को बराबर एडिट करने नहीं आता, आप लोग उतना समझ में नहीं आएगा। इसके लिए गाइस आपका भाई बोला एक बार नहीं तो दो बार आप लोग वीडियो देखिए तभी आप लोग सारा कुछ समझ पाएंगे। इधर देख सकते हमारा फेस वगैरह कितना सा ब्लैक टोन दिख रहा था। सबसे पहले आप लोग ब्लैक टोन हटाने के लिए अपना फोटो की स्नैपशीट एम में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। स्नैपशीट में आने के बाद कुछ हमारा फोटो का इंटरफेस ऐसा खुलेगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, डिटेल को बढ़ा देंगे। डिटेल को बढ़ाएंगे तो हमारा फोटो में HD क्वालिटी हो जाता है हमारा फोटो, और स्मूथ करने में बहुत ही मजा आता है। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम सिलेक्ट टूल पे आएंगे, देखिए इधर मार्क मार के दिखा रहे, सिलेक्ट टूल पे आ जाएंगे। जिधर भी हमारा ब्लैक और रेड टोन रहेगा तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग जहाँ ब्लैक टोन रहेगा तब क्या करना है, सैचुरेशन को हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इतना करके बढ़ा लेंगे। इतना करके आप लोग को बढ़ा लेना दोनों को, देखिए इधर भी आप लोग को दोनों तरफ से आप लोग को सेम तरीके से करके जहाँ जहाँ ब्लैक और रेड टोन दिखाई देगा सेम कैसे आप लोग भी बढ़ा लीजिएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से बढ़ा दीजिए, जहाँ हमारा ब्लैक दिख रहा है सेम ऐसा करके आप लोग को भी बढ़ाना है। और देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस वगैरह सारा कुछ बुरा हो रहा है आप लोग। अभी इसके बाद आप लोग को इतना खतरनाक ट्रिक बताने वाले, अभी तक कोई आप लोग इतना खतरनाक ट्रिक आप लोग को बताया नहीं हुआ। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा फेस वगैरह सारा कुछ अभी क्या हो रहा है, गोरा हो रहा है। तो इस गोरा अभी तो कर रहे हैं, तभी हम स्मूथ करने के लिए आप लोग को भी बताएंगे कैसे अपने फेस को स्मूथ करा जाता है सारा कुछ आप लोग को बताएंगे, और बैकग्राउंड ब्लर कैसे करा जाता है सारा कुछ आप लोग एक ही ऐप में बताएंगे, एक ही ऐप में गाइस आप लोग को एडिट करके बताएंगे। इसके बाद बस आप लोग क्या करना ना, चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और सर बहुत सारे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं भाई, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं के लिए आप लोग को रिक्वेस्ट, भाई वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपका भाई का चैनल और आपका चैनल है ऐसे सेम तरीके से करके आप लोग को सारा जगह स्मूथ कर लेना है। सॉरी गाइस स्मूथ बोल रहे हैं, सॉरी आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग को ब्लैक टोन रेड टोन रहेगा तो आप लोग फेस को गोरा कर लेना। उसके बाद शेयर वाला आइकन पर गाइस टाइप करके तो अपना फोटो को सेव हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, अपना फोटो को सबसे पहले आप लोग को ओरिजिनल फोटो को ले लेना है। ओरिजिनल फोटो के लेने बाद अपना फोटो गैलरी में देख सकते, अभी से हमारा फोटो कितना अच्छे तरीके से हो चुका है। उसके बाद फेस को हम क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोग को सबसे पहले अपना फोटो को स्मूथ करने की ऑटोडेस्क ऐप में गाइस अपना फोटो को शेयर कर लेना है। ऑटोडेस्क ऐप में गाइस आने बाद कुछ हमारा फोटो का इंटरफेस ऐसा खुलेगा, तो आप लोग क्या करना, अपना फोटो को दोनों फिंगर से जूम कर लेना। इसी फेस को हम क्या करेंगे ना, स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए कौन सा ब्रश लेना सारा कुछ आप लोग बताएंगे। इसके बाद क्या करना, ब्रश वाला आइकन पे गाइस आप लोग को टैप कर देना है। उसके बाद ये वाला ब्रश आप लोग को ले लेना है। आप लोग जो ब्रश पे आप लोग का फेवरेट रहेगा, हमारा ब्रश तो ये फेवरेट, इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हो, सेम सेटिंग
सेटिंग करके आप लोग को रख लेना है। सेम सेटिंग करना है, इसको कैंसिल कर लेना। उसके बाद कैंसिल करना है, दोनों फिंगर्स आप लोग अपना फोटो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जूम करके अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे। आप लोग देख सकते कितना अच्छे तरीके से स्मूथ करते हैं। आप लोग सेम तरीके से आप लोग भी अपना फोटो को स्मूथ कर लेना है। बस आप लोग को ब्रश को लेकर ऐसा करके चलाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से फेस वगैरह सारा कुछ हमारा स्मूथ हो रहा है। सेम तरीके से आप लोग भी करके स्मूथ कर लेना है। तो देख सकते हो ऐसा करके आप लोग भी स्मूथ कर लिया। हम क्या करते हैं ना, वीडियो हल्का सा गाइस हम फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा वैसा भी हो चुका और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके जल्दी जल्दी करके हम लोग स्मूथ कर लेते हैं। तो आप लोग को आराम आराम से स्मूथ करना है, कोई भी आप लोग को जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि आप लोग तो समझ सकते हो स्मूथ करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग को भी पता होगा। इसके लिए इस वीडियो को हम फास्ट करके थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सी फास्ट करके जल्दी जल्दी करके हम स्मूथ कर लेंगे। नहीं तो गाइस वीडियो तो आप लोग समझते हो कितना ज्यादा लंबा हो चुका है। जो जो आप लोग को ट्रिक बताने वाले ना भाई लोग, अभी तक कोई आप लोग को इतना खतरनाक ट्रिक, इतना अच्छा अच्छा ट्रिक, न्यू ट्रिक 2023 का अभी तक कोई आप लोग को बताया नहीं होगा। बस आप लोग देख सकते हो सारा कुछ ट्रिक जाना है, तो बस एंड तक गाइस वीडियो में बने रहिएगा। और तो आप लोग समझ सकते हो हम क्या बोलना चाहते हैं। तो आप लोग बहुत सारे यार बहुत बहुत भाई लोग हमारा वीडियो देखते हैं भाई, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। लेकिन क्यों हमारे साथ आप लोग क्यों ऐसा नाइंसाफी कर रहे हो भाई? जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, 50 के हमारा यूट्यूब फैमिली कराओ भाई, जल्दी आप लोग कराओ। आप लोग समझ सकते हो हमारा बात को। ऐसा सेम तरीके से आप लोग अपना फेस वगैरह सारा कुछ स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के बाद इसका आगे का जो ट्रिक है सारा कुछ आप लोग को बता देंगे। इसके अंदर कि अपना लिप्स, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं लिप्स पे नहीं चलाना चाहिए, ब्रश को स्मूथ करने के लिए चला सकते भाई, ऐसा कोई बात नहीं, लिप्स को भी आप लोग चला सकते हैं। उस बाद हमारा लिप्स को रेट करेंगे। रेट करने के लिए आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग डुप्लीकेट लेयर बना के उसके बाद क्या करना, आप लोग को सॉफ्ट लाइट करके इधर देखिए, इधर मार्क मार के आप लोग दिखाएंगे, इधर सॉफ्ट लाइट करके लिखा, तो आप लोग को सॉफ्ट लाइट पे आप इस पे दाव लेना है, उसको आप लोग को डन कर लेना है। उसके बाद क्या करना ना, इधर में आप लोग को रेड कलर, आप लोग जो भी कलर लिप्स को रेड करना था, हमको रेड कलर चाहिए तो रेड कलर को सेलेक्ट करके ये वाला गाइस ब्रश को आप लोग को सेटिंग में से जाके ये वाला को आप लोग को ब्रश को ले लेना है। इस ब्रश को लेने के बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, बस अपना लिप्स पे चलाएंगे तो हमारा लिप्स देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से रेड हो रहा है। सेम तरीके से आप लोग लिप्स को रेड करके उसको आप सिटी को कम कर लेंगे तो हमारा लिप्स जितना आप लोग रेड रखना चाहते हो उतना करके रेड रख सकते हैं। उसका दूसरा वाला ये वाला ब्रश को हम लेके आप क्या करें, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको हम लोग लिप्स को रेड कर लेना है। आप लोग अच्छे तरीके से अपना लिप्स को रेड कर लिया तो फाइनली हमारा देख सकते लिप्स वगैरह सारा कुछ और फेस वगैरह सारा कुछ स्मूथ हो चुका है और लिप्स को भी रेड करके आप लोग को दिखा चुके। उस वक्त गाइस एक ही ऐप में, गाइस एक ही ऐप में गाइस आप लोग को सारा कुछ बताने में, बैकग्राउंड कलर कैसा करा जाता है सारा कुछ आप लोग को बताएंगे और बैकग्राउंड को कलर कैसा चेंज करना वो भी आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को सेफल आइकन पे गाइस टाइप करके अपना फोटो किस में शेयर करना है, अपना फोटो कैसा कुछ आप लोग को शेयर आइकन में टाइप करना है, अपना फोटो को पिकार्ट में गाइस अपना फोटो को ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन होने में कुछ हमारा फोटो का इंटरफेस ऐसा खुलेगा, देख सकते हैं कितना इसी फोटो का हम बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ ब्लर करके और बैकग्राउंड को एकदम सीवी एडिटिंग में आप लोग को कन्वर्ट करके सारा कुछ बताएंगे। आप लोग क्या करना, एडिट वाला आइकन दिख रहे मार्क मार के दिखा है, आप लोग इस पर टाइप करना। उसके बाद गाइस हम लोग ऐसा स्क्रॉल करेंगे, ऐसा स्क्रॉल करके आएंगे तो आप लोग इधर देखिए इधर मार्क मार के दिखा रहे, आप लोग को इस पर टाइप करना। इस पर गाइस टाइप करना कुछ आप लोग का फोटो का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद क्या करना, आप लोग इधर देखिए फेदर वन करके लिखा है, इस पर आप लोग को टाइप करना। उस पर टाइप करना कुछ हमारा फोटो बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, इधर फेदर वन पे एक बार टाइप करें, ऐसा कुछ सेटिंग खुलेगा। उसके बाद देखिए इधर मार्क मार के दिखा है, आप लोग इस पर टाइप करके एक बार इसको ऐसा करके रोटेट कर लेना है। उसके बाद क्या करना, इसको आप सीट को कैप करना, छे करके रख लेना। छे करने बाद उसके बाद क्या करना, इधर पेंसिल आइकन दिख रहा है, इस पेंसिल आइकन में गाइस टाइप करके आप लोग कुछ नहीं करना, अपना दोनों फिंगर्स अपना फोटो को जूम करके इसको क्या करना, दोनों को 100% करके अपना फेस पे से आप लोग को इफेक्ट को रिमूव करना है। इफेक्ट देखिए हटा रहे तो हमारा फोटो कितना ज्यादा गोरा सा दिख रहा है, कितना फोटो हमारा खराब हो चुका था आप लोग को भी पता है, तो आप लोग देख ही सकते हो। ऐसा करके आप लोग अपना इफेक्ट को अच्छे तरीके से इरेज कर लेना था। हम जल्दी जल्दी करके अपना फेस पे से इफेक्ट को इरेज करें, अपना बैकग्राउंड बहुत ध्यान से आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को बैकग्राउंड वगैरह पर और कपड़े वगैरह पर नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लोग बैकग्राउंड और कपड़े पर लाएंगे तो हमारा फोटो खराब हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करके हम इरेज कर लिए। उसके बाद इरेज करने गए आप लोग क्या करना, डन वाला आइकन पर स्टेप कर अपना फोटो को डन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप लोग को वीडियो देख रहे हैं, इधर देखिए क्रॉप वाला आइकन दिख रहा है, आप लोग इस पर टाइप करना है। उसके बाद देखिए इधर मार्क मार के दिखा है, रिमूव करके लिखा है, इस पर टाइप करना है। आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके तभी ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करने वाला है। उसके बाद क्या करना, इस पे आप लोग को टाइप करके देखिए, इधर आप लोग को देखिए इसको ब्रश को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, साठ करके रख ले, तो जहाँ आप लोग को बैकग्राउंड जहाँ आप लोग को ब्लर करना बस ऐसा करके आप लोग को चला लेना है। देखिए ऐसा करके हम चलाएंगे तो हमारा फेस वगैरह देख सकते सारा कुछ अभी से गायब हो जाएगा। इस पर डन रिमूव कर देंगे तो एक ही क्लिक में हमारा थोड़ा सा आप लोग डाटा अनकर करेंगे तभी एक ट्रिक काम करेगा। एक ही क्लिक हमारा देख सकते हमारा बस बैकग्राउंड बचा है। उसके बाद गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, देखिए
इधर देखिए इफेक्ट वाला आइकन दिख रहा है, इधर देखिए एडिट वाला आइकन है, सारा कुछ हम बैकग्राउंड कैसे ब्लर करेंगे, आप लोग बूके इफेक्ट कैसा आएगा तो वो भी आप लोग को बताएंगे। देखिए इधर एडिटेबल आइकन दिख रहा है, एडिटेबल आइकन पर जैसे आप लोग को टाइप करना है, एडिटेबल आइकन पर टाइप कर इधर बोके इफेक्ट दिख रहा है तो आप लोग को इस पर टाइप करना है। इस पर टाइप करेंगे तो कुछ हमारा बहुत ज़्यादा बोके इफेक्ट आएगा, तो आप लोग क्या करना, इधर लेंस ब्लर करके लिखा होगा तो आप लोग इधर मार्क मार के दिखा रहे वाला ब्लर को आप लोग को ले लेना है। उसको लेने बाद आप लोग को क्या करना ना, देखिए इसे आप लोग को सेटिंग खुलेगा कुछ इस पर एक बार आप लोग को टाइप करना है। इस पर एक बार टाइप कर कुछ आप लोग का फोटो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप लोग देख सकते हो 25-25 करके या 23-25 करके, तो आप लोग क्या करना ऊपर वाले को इसको पूरा 100 करके रख लें, बॉलर को पूरा फुल करके रख लेना है, और नीचे वाले को अपने बॉलर को अपने फोटो के हिसाब से आप लोग जितना अगर रखना चाहिए इसको भी क्या करते हैं 100 करके रख लेते हैं दोनों को 100 करके। उसके बाद क्या करना आप लोग को पेंसिल आइकन पर कैसे आप लोग को टाइप करना पड़ेगा। देखिए इतना आप लोग इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग जितना ब्लर चाहिए और जितना बोके इफेक्ट चाहिए आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम दोनों को 100 करके रख ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे ना, देखिए वो ध्यान दे पेंसिल आइकन वगैरह टाइप करके उसके बाद क्या करेंगे, बस अपने बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे ऐसा करके ब्लर कर लेंगे। तो हमारे देख सकते हो बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। ऐसा अभी तक आप लोग को कोई ट्रिक बताया ना, जो आप ट्रिक बता रहे हैं अभी तक कोई भी आप लोग को बताया नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से आप लोग थोड़ा बहुत आता पे फोटो एडिटिंग करना, वीडियो देखने वाले ना 100% आपका भाई बोला सेम ऐसा फोटो एडिट कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ तक तो आप लोग को ट्रिक आप लोग सारा कुछ समझ आ चुका होगा, नहीं समझ आया तो आप लोग एक बार और वीडियो देख लेते हैं, आप लोग 100% आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे अपना ऐड फोटो पे जाएंगे, जो फोटो को सर सेव करके रखे तो फोटो को लेने बाद आप लोग दोनों फिंगर से ऐसा करके बैठा लेना। देखिए ऐसा करके बैठा लेंगे, उसके बाद क्या करना इधर कर देखिए पेंसिल आइकन पर नहीं आप लोग यहाँ पर डन कर लेना। देखिए इसको बैक आ जाते हैं, उधर देखिए मार्क मार्के दिखा है रिमूव पीजी करके लिखा है, इस पर टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए इधर रिमूव बैकग्राउंड करके लिखा है, इस पर एक बार टाइप करें, देखिए क्लिक हमारा क्या होगा ना, बैकग्राउंड बस बच्चे का फोटो सारा कट जाएगा। देखिए एक ही क्लिक पर कितना खतरनाक तरीके से हमारा फोटो कट चुका है, ये रहा जादू। उसके बाद क्या करेंगे हेयर को हम चेंज करने वाले, हेयर को क्या करेंगे हल्का हल्का करके इरेज कर लेंगे, गैस ये हेयर रहेगा तो हमारा फोटो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखेगा। उसके बाद क्या करेंगे इतना करने वाले आप लोग क्या करना, हेयर को हम एडिट करने वाले तो क्योंकि हेयर को दूसरा PNG आप लोग को डाउनलोड करना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PNG प्रीसेट का लिंक सारा कुछ का आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए ऐसा गाइस एडिट वाला आइकन वगैरह टाइप करना, आप लोग को जो कलर लेना था आप लोग कलर सबसे पहले आप लोग को चेंज करके दिखाएंगे। कलर को कैसा चेंज करना इधर कलर वाला पे आएंगे, जिस आप लोग को मार्क मार के दिखा रहे इस पर आप लोग को टाइप करना, बहुत सारा आप लोग को इफेक्ट खुलेगा। उस पर जो इफेक्ट आप लोग को बता रहे वही वाला यूज करना, UE करके लिखा था आप लोग इस पर टाइप करना है। उसके बाद बहुत सारा कलर आप लोग चेंज करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करना पेंसिल आइकन पर टाइप करें अपना जो फेस वगैरह पर इफेक्ट गया है, तो हम क्या करेंगे अपना फोटो पे से फेस वगैरह पे से इफेक्ट को जल्दी जल्दी करके हमें इरेज कर लेते हैं। तो आप लोग आराम से आप लोग इरेज कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड अपना इफेक्ट का आएगा तो हमारा फोटो बहुत ही ज़्यादा गंदा और बहुत ही ज़्यादा बेकार सा दिखेगा। इसके लिए गाइस आप लोग आराम से कीजिएगा, क्योंकि गाइस अपना बैकग्राउंड वगैरह पैसे नहीं इरेज करना है और कपड़े पैसे नहीं इरेज करना, बस आप लोग फेस और हैंड वगैरह हो गया पैर हो गया तो वहाँ से आप लोग इरेज कर सकते हो। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हम इरेज कर लें। उसके बाद क्या करना आप लोग कलर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, बहुत सारा कलर आएगा तो हम क्या करते हैं जो भी आप लोग को कलर चाहिए तो कलर रख लेते, हमको तो एक कलर आप लोग को चाहिए तो आप ये कलर करके रख लेते हैं 183 करके आप लोग को रख लें। उसके बाद डन कर लेना है। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे स्टिकर वाला आइकन बनाएंगे, जो हमारा एक लाइट का PNG लाइट को PNG करके इसमें गाइस ब्लेंडिंग पे करके उसके बाद करना आप लोग को कुछ नहीं ऐड फोटो पा जाएंगे जो हमारा इसको है टेक्सचर इसको ले लेते हैं। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे ना फिर से ऐड फोटो पाएंगे जो हमारा PNG है हेयर का PNG हेयर को गाइस अच्छे तरीके से यूज करना, बहुत ही ज़्यादा कमाल का हेयर है, बहुत ही न्यू हेयर है एकदम खतरनाक तरीके से। उसका हेयर को देख सकते लगाने बाद हमारा फोटो में कितना खतरनाक तरीके से रौनक आ जाएगा। उसके बाद क्या करना अपना फोटो क्या करना है पेंसिल आइकन वगैरह स्टेप का जो हमारा स्टाफ पार्ट रहेगा हेयर को हम क्या करते हैं अच्छे तरीके से इरेज करके आप लोग भी बैठा सकते हैं कि कैसे आप लोग को फोटो कैसा रहेगा, तो हमको नहीं पता था आप लोग अपने फोटो के हिसाब से वगैरह सारा कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप लोग क्या करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे फिर से गाइस हम क्या करेंगे ऐड फोटो पे फिर से आ जाएंगे। देखिए ऐड फोटो पे आ जाएंगे, जो PNG यूज कर रहे सारा कुछ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे जो हमारा लोगो वगैरह है फोटो रूम से हम सारा कुछ काटते हैं, बहुत मेहनत करके PNG वगैरह डाउनलोड करते हैं, लोगो वगैरह सारा कुछ हम ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपना फोटो का कुछ ऐसा करके हमारा फोटो कितना अच्छे तरीके से एडिट हो चुका। उसके बाद क्या करना आप लोग को देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से आप लोग यहाँ से वीडियो देखना, अपना फोटो को शेयर वाला आइकन पर टाइप करके इधर ही से आप लोग को क्या करना पड़ेगा अपना फोटो को स्नैपशीट ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेना है। स्नैपशीट ऐप में गाइस अपना फोटो शेयर करने में सबसे पहले आप लोग क्या करना ना इधर देखिए डिटेल को क्या करना इतना 28 करके और ऊपर वाले को सापने इसको इतना करके 50 करके रख लेना है। उसके बाद गाइस 50 करके रखने में तो आप लोग क्या करना ना
इधर देखिए करो वाला आइकन पर इस पर टाइप करके उसको देखिए इस पर आप लोग को टाइप करेंगे तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले आप लोग को व्हाइट लाइट को आप लोग को सेलेक्ट करना, इधर देखिए मार्क मार्क दिखा रहा है राइट साइड में आप लोग सबसे लास्ट में उसको ऊपर की पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की साइड में खींचेंगे, हमारा फेस वगैरह सारा कुछ लाइट आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे ना देखिए हमारा फेस पर थोड़ा सा रेड टोन ज़्यादा है तो क्या करेंगे ब्राइटनेस को और थोड़ा सा बढ़ा लेते हमारा फेस वगैरह कितना व्हाइट हो चुका। उसके बाद क्या करेंगे इस पर टाइप करके उसको पेंसिल आइकन पर हम लोग टाइप करके अपना फेस पर बस ऐसा चलाएंगे तो हमारा फेस देख सकते हो जो जो रेड टोन था सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा रेड टोन खत्म हो रहा था, आप लोग को मालूम नहीं पड़ेगा तो आप लोग कैसा मालूम पड़ेगा, बस आप लोग को रेड टोन रहेगा तो एक बार एक ट्रिक करके देखिएगा तब आप लोग को समझ आएगा। तो हमको समझ आ रहा है क्या हो रहा है हमारा फोटो में क्या नहीं हो रहा है सारा कुछ हमको समझ आ रहा है। उसके बाद क्या करना आप लोग को अपना फोटो कैंसिल कर लेना, उसके बाद क्या करना आप लोग को सेलेक्ट टूल पर आ जाना, आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक और रेड टोन रहेगा तो आप लोग वहाँ सेम तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो गाइस आप लोग जैसा आपका भाई थंबनेल में दिखा सेम फोटो एडिट करके दिखा, बस आप लोग इतना फर्क होगा ना, तो टैटू वगैरह नहीं लगाए तो आप लोग लगा लेना, टैटू कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा आ चुका इसके लिए गाइस हम टैटू वगैरह नहीं लेंगे तो आप लोग को सारा कुछ का लिंक दे देंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सबसे नीचे, आप लोग वहाँ से बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो जैसे आप लोग थंबनेल में दिखाए सेम फोटो एडिट करके दिखा चुके, बस इतना डिफरेंट है थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंट है तो आप लोग कलर वगैरह आप लोग एडजस्ट